नमस्कार, आप देख रहे स्वराज एक्सप्रेस कर्नाटका, मैं हूँ रशिका। आइए शुरुआत करते हैं कर्नाटक के समाचारों से। एमबी पाटिल पर राज्यपाल को दिया शिकायत पत्र। कर्नाटक राज्य के गृह सचिव पर लगा बड़ा आरोप। गृह सचिव का नाम एमबी पाटिल है। एमबी पाटिल पर कर्नाटक राज्य के राज्यपालों को दिया शिकायत पत्र। कर्नाटक राज्य के विजयपुर में बीजेपी पार्टी के जिला प्रधान कार्यदर्शी ने एमबी पाटिल पर राज्यपाल को दिया शिकायत पत्र। कर्नाटक के बीजेपी नेताओं ने एमबी पाटिल पर लगाया अधिकार दुरुपयोग का आरोप। बीजेपी वालों ने एमबी पाटिल पर लगाए अनेक आरोप, जैसे कि राजनीति में बदले की भावना रखते हुए बीजेपी और उसके कार्यकर्ता पर कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। मैत्री सरकार को विरोध करने वालों पर भी कार्रवाई हो रही है। कुछ महीनों से मैत्री सरकार और मीडिया वाले मिलकर राज्य के राजनीति विरोधकों को विनाश करने की प्रयास में लगे हैं। बीजेपी ने अनेक प्रसंगों में मैत्री सरकार की शिकायत तो की, परंतु शिकायत का कोई असर नहीं हुआ। बीजेपी के इस शिकायत पत्र में उल्लेख किया है कि कुछ दिन पहले राजनेता बेलूरु गोपाल कृष्ण ने खुलेआम कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हत्या करने की बात कही थी। इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं किया गया। और जेडीएस के विधायक नारायण गौड़ा ने भी कर्नाटक के मशहूर अभिनेता यश और दर्शन को भी धमकी दिया था। इतना ही नहीं, मीडिया वालों को भी डर सा लग रहा है, क्योंकि मैत्री सरकार और उनके विधायकों पर बात करने से मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। खुद कर्नाटक के मुख्यमंत्री मीडिया वालों को बहिष्कार करने पर तुले हैं। संविधान के चौथे अंग कहे जाने वाले मीडिया को भी नियंत्रित किया जा रहा है। सोशल मीडिया में सरकार का विरोध करने से बीजेपी के शुभचिंतक और उनके कार्यकर्ताओं को जेल भेजा जा रहा है। कर्नाटक में लिंगायत धर्म को प्रत्येक करने की कोशिश किया था, इससे समाज में हलचल मचा था, लेकिन इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कुछ दिन पहले कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ता के बीच झगड़ा हुआ था, पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर ही मामला दर्ज किया है। शिकायत पत्र में इस तरह उल्लेख करते हुए जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को शिकायत पत्र भेजा गया है। चंद्रशेखर कौटी, जिला अध्यक्ष बीजेपी। राज्य बीजेपी सरकार ओर से ये स्टेट वाइड गृह सचिव के ऊपर अधिकार दुरुपयोग और दौर्जन्य और दबाल के विरोध पर बीजापुर जिला बीजेपी घटक से हम विरोध कर रहे हैं। अधिकार शाश्वत बहुत नहीं है, इसलिए गृह सचिव एम बी पाटिल इस भाजपा जिला घटक से ओर से हम उनका अधिकार दुरुपयोग पर विरोध कर रहे और बीजापुर भारतीय जनता पार्टी वो एजिटेशन मौन प्रतिभटने कर एम बी पाटिल ऊपर एम बी पाटिल को विरोध हम कर रहे हैं। गाड़ी चलाते समय पिता को आया हार्ट अटैक तो मासूम बेटे ने ऐसे दिखाई समझदारी। कर्नाटक के तुमकुर में कंपनी से दुकान में प्रेशर कुकर डिलीवरी करने वाले शिवकुमार को लोडिंग कार चलाते हुए हार्ट अटैक हो गया और उसकी मौत हो गई। घटना दोपहर 12 बजे की है जब शिवकुमार को हार्ट अटैक हुआ। इस दौरान गर्मियों की छुट्टियों के चलते स्कूल जाने की जगह पिता के साथ काम पर जाने वाला उनका 10 साल का बेटा पुनीर्थ भी उनके साथ था। गाड़ी चलाते पिता को हार्ट अटैक होते ही बच्चे ने दिखाई समझदारी। 97 किलोमीटर रफ्तार से कार चला चुके शिवकुमार को जैसे ही हार्ट अटैक हुआ, उनके बेटे ने तुरंत इस बात को समझ लिया। बच्चे ने समझदारी दिखाते हुए स्टेयरिंग व्हील के एक तरफ घुमाकर किसी तरह कार को रोका। ऐसा करने से उसने खुद के भी गंभीर सड़क दुर्घटना का शिकार होने से बचाया। गाड़ी में अकेला बैठ बिलख कर रो रहा था मासूम लड़का। कार के एक तरफ सुरक्षित कर पुनीत ये समझ चुका था कि उसके पिता की मौत हो गई है। वह कार के भीतर ही पिता के बगल में बैठ कर अकेला बिलख कर रो रहा था। पुनीत का छोटा भाई नरसिम्हा राजू अभी इतना छोटा है कि वह पिता के मौत को समझ भी नहीं सकता।
40% से कम नतीजे वाले स्कूलों को कारण बताओ नोटिस। वर्ष 2019 की 10वीं कक्षा परीक्षा के नतीजों में जिला के 33 स्कूलों में 40% से कम तथा 3 स्कूलों में 0 नतीजे आए हैं। यह कर्नाटक राज्य के धारवाड़ जिला में हुआ है। इस वर्ष इन स्कूलों को जिलाधिकारी दीपा चोड़ा ने कारण शोकाज नोटिस यानी कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। संबंधित स्कूलों के मुख्य शिक्षकों को अपने स्कूलों में अनुत्तीर्ण हुए सभी विद्यार्थियों के लिए शीघ्र ही विशेष कक्षाएं शुरू करनी चाहिए। वे धारवाड़ में जिलाधिकारी कार्यालय सभा भवन में जिले के सभी क्षेत्र शिक्षाधिकारियों तथा सार्वजनिक शिक्षा विभाग के ऊपर DDPI की बैठक की अध्यक्षता कर रही थी। जिलाधिकारी दीपा ने 35% से कम नतीजे हासिल किए गए सभी स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी कर रिपोर्ट देने की DDPI को निर्देश किए। उन्होंने कहा कि सभी क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारी आगामी 21 जून से प्रारंभ होने वाली 10वीं कक्षा की सप्लीमेंट्री परीक्षा देने के लिए अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को ऑनलाइन अपना नाम पंजीकरण करवाना चाहिए। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री ने कहा कि गठबंधन सरकार सुरक्षित। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने कहा है कि भाजपा ये कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव परिणाम आने के पश्चात राज्य सरकार गिर जाएगी, 24 मई को हम नई सरकार बनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। राज्य की गठबंधन सरकार सुरक्षित है जो शेष 4 साल का कार्यकाल भी पूरा कर लेगी। वे हुबली में शनिवार को निजी कार्यक्रम में भाग लेने आए हुए थे। हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बातचीत में डॉक्टर परमेश्वर ने कहा कि कुंदगोल तथा चिंचोली दोनों उपचुनावों में हमारी जीत होगी। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव परिणामों से सरकार पर किसी प्रकार का फर्क नहीं पड़ेगा। मंडिया में हुई डिनर पार्टी से संबंधित कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गुड्डूराव रिपोर्ट मंगवा लेंगे। रिपोर्ट देखने के पश्चात आगे की कार्रवाई की जाएगी। निर्वाचन आयोग का कार्य संतोषजनक नहीं है। इससे पहले निर्वाचन आयोग ने ऐसा बर्ताव नहीं किया है। निर्वाचन आयोग राज्य सरकार को सुख राहत कार्य करने नहीं दे रहा है। सुख राहत कार्य के लिए अनुमति देने की आयोग में मांग की गई है। इस दिशा में आयोग की ओर से सरकार को पत्र मिला है। पत्र में किसी प्रकार की सभा का आयोजन नहीं करने की अनुमति देने से इनकार किया गया है। अधिकारियों की बैठक बुलाने से भी मना किया गया है। बेलगाम में हुआ खतरनाक कार दुर्घटना, 4 लोग हैं सीरियस। कर्नाटक राज्य के बेलगाम में हुआ कार दुर्घटना, यह बेलगाम के खानपुर तालुका के मंग्यानकोप नामक गांव में हुआ। यह दुर्घटना लगभग रात के 1 बजे हुई है। रात के समय हुआ हादसा, कार नंबर महाकाल 11 AW8820 है। वरना कार के हादसे में 4 लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। हादसे में वाहन सवार अजीत जिन्नप्पा हुक्केरी, सचिन अजूर चलवादी, संतोष शेखप्पा चलवादी और मंजुनाथ अर्जुन चलवादी अस्पताल में भर्ती हुए हैं। पुलिस इस दुर्घटना पर तहकीकात कर रही है। विजयपुर की गगन महल में मिली एक व्यक्ति की लाश। कर्नाटक राज्य के विजयपुर में मिली 35 साल के राजू दिंडवार की लाश। मृतक राजू दिंडवार विजयपुर शहर मनगुली बेस विद्यानगर का निवासी है। यह लाश विजयपुर के ऐतिहासिक इमारत के खंडर में पाई है। बताया जा रहा है यह व्यक्ति की मौत कल रात खंडर के पानी में डूबने के कारण हुई थी। जब पुलिस को यह खबर मिली तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की। यह मामला गोल गुंबज पुलिस थाने के अधीन आता है। जांच के बाद पता चलेगा कि यह हत्या है या आत्महत्या। बसवनगौड़ा पाटिल जन औषधि केंद्र का करेंगे उद्घाटन। कर्नाटक राज्य के विजयपुर जिला में कल जन औषधि केंद्र का होगा उद्घाटन। इसे विजयपुर के BJP विधायक बसवनगौड़ा पाटिल यत्नाल करेंगे। बसवनगौड़ा पाटिल विधायक होने के साथ साथ सिद्ध सिरी बैंक के अध्यक्ष है। जोरापुर पेट में स्थित सिद्ध सिरी बैंक के शाखा के नीचे वाले निवेश में जनता के लिए प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का उद्घाटन करेंगे। यह केंद्र सभी धर्म के लोग और गरीबों के लिए।
इस जन औषधि केंद्र को कल सुबह 10 बजे बसव दिवस के मौके पर उद्घाटन करेंगे। और खबरों के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।